क्षमा। कोर्ट की तरफ से यह आदेश निकल कर सामने आ रहे हैं, संजय सिंह सबूतों से छेड़छाड़ ना करें। संजय सिंह की जमानत को लेकर आज उन्हें जमानत मिल सकती है, रिहाई मिल सकती है, लेकिन उससे पहले कोर्ट का आदेश सामने आया है, संजय सिंह दिल्ली एनसीआर नहीं छोड़ेंगे, पासपोर्ट जमा कराना होगा। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ ना करने की बात यहां पर कोर्ट ने आदेश के तौर पर कही है। संजय सिंह की बेल पर कोर्ट ने कई शर्तें तय की, संजय सिंह सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, संजय सिंह को जांच में सहयोग देना होगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज जमानत पर बाहर निकलने वाले हैं, दूसरी तरफ कोर्ट ने कई शर्तें रखी हैं। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि पासपोर्ट जमा कराना होगा, दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते, इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ ना करें। तो इन तमाम शर्तों के आधार पर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, आज वो बाहर निकल सकते हैं। परिवार वालों का कहना है कि अस्पताल में नियमित चेकअप के लिए गए थे, उसके बाद उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी। माना जा रहा है कि चुनावी गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं संजय सिंह, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी पर संकट मंडरा रहा था, संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, और जिस तरह से मुखरता से सत्ता पक्ष पर हमला बोलने में माहिर है संजय सिंह, ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है। जमानत पर आज रिहाई हो सकती है, बाहर निकल सकते हैं, और उसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार है। तो संजय सिंह को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं, शर्तों के आधार पर आज जमानत दी जाएगी। साफ तौर पर कहा गया है कि पासपोर्ट जमा कराना होगा, दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते, और साथ ही साथ सबूतों से छेड़छाड़ ना करें संजय सिंह। इसके अलावा जांच में सहयोग करने की भी बात की है शर्तों के साथ। संजय सिंह को मिली है जमानत, आज बेल पर बाहर आ सकते हैं संजय सिंह। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, संजय सिंह की पत्नी ने बेल बॉन्ड भरा। संजय सिंह की पत्नी ने बेल बॉन्ड भरा, संजय सिंह को आज बेल मिल गई। संजय सिंह की पत्नी ने बेल बॉन्ड भरा है। संजय सिंह की पत्नी ने किसी समय पहले जानकारी दी थी कि कल नियमित चेकअप के लिए गए थे, उसी बीच उनको जानकारी मिली थी कि संजय सिंह को बेल मिल गई, ऐसे में संजय सिंह की पत्नी ने आज बेल बॉन्ड भरा है। कोर्ट में जाकर इसके अलावा कोर्ट ने तय किया है संजय सिंह की जमानत पर कई शर्तों का आदेश कोर्ट की तरफ से आया है। साफ तौर पर संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराना होगा, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते संजय सिंह, सबूतों से छेड़छाड़ ना करने और जांच में सहयोग करने की बात की है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लगातार बने हुए हैं। जी अजय, संजय सिंह को लेकर जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, बेल पर बाहर आएंगे लेकिन बॉन्ड उनकी पत्नी ने भरा है, और इसके अलावा शर्तों पर बाहर आएंगे, कोर्ट ने कई शर्तों का आदेश दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, जिस तरह से संजय सिंह की जो बेल हुई है उसमें पहले ही कोर्ट ने कई शर्त रखी थी। कल भी उसको किया था कि संजय सिंह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस की निगरानी रहेगी, लेकिन घर से या एनसीआर से कहीं बाहर जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कभी भी उनको बुला सकते हैं, ईडी कभी भी संबंध भेज सकते हैं। ऐसे में शर्तों के नियमानुसार उनको भेजा गया, क्योंकि अभी जांच बराबर चल रही है, जांच उनको सहयोग करना होगा, क्योंकि संजय सिंह ने जांच में सहयोग किया था, लेकिन लगातार अभी उनको इसलिए छोड़ा गया कि आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि तबियत का भी बहुत ज्यादा मैन की उनकी तबियत खराब हो रही है, उनके घर में जो थी उनकी भी तबियत खराब थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं संजय बाहर तो मिली है, लेकिन किसी भी कोर्ट के अंदर के अंदर ही उनको रहना पड़ेगा, यानी दिल्ली एनसीआर नोएडा तक वो जा सकते हैं, पासपोर्ट उनको जमा कर लिया जाएगा, जमा जब कर दिया, क्योंकि ऐसा कि कहीं बाहर ना जाए, क्योंकि ऐसे में बाहर जाने का अनुमान होगा कि कहीं ना कहीं उसकी बात आ जाती है सामने। तो ऐसे में संजय सिंह को कुछ शर्तें हैं जो वहां पर लिखित में दी गई हैं, लिखित में देना पड़ा है, उसके अनुसार वो दिल्ली में रहेंगे, और दिल्ली में जब भी जरूरत पड़ेगी संजय सिंह को कोर्ट में या ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है, पासपोर्ट के साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर के भीतर ही संजय सिंह को रहना होगा, ऐसे में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार की बात करें तो लगभग ये तय है कि संजय सिंह दिल्ली एनसीआर के बाहर कहीं भी आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी के अभियान में शामिल नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल देखिए, प्रत्याशा वाद दिल्ली एनसीआर में कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी सत्र को भी ऐसा पासवर्ड ना दे जो कोर्ट के एजेंसी के खिलाफ हो या अन्य समुदाय के खिलाफ हो, उसमें भी सत्र रखेंगे। आप पार्टी प्रचार कर सकते हैं लेकिन नियमों अनुसार अपने सभ्यता में रहते हुए अपने नियमों के साथ रहते हुए वो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से संजय सिंह को राहत तो मिली, लेकिन वही अभी भी यदि समझे कि जिस तरह बेल दी गई है और ईडी के साथ में उनको रहना पड़ेगा, जब चाहे बुला सकते हैं पुलिस, जो कस्टम बोर्ड जो पुलिस है उनके बताई की मौजूद है, तो सुरक्षा भी उनको बढ़ा दी गई है, सुरक्षा उनको दी गई है, और ताकि कोई भी ऐसी चीज हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह नेता है वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, अब जो चुनाव का समय भी चल रहा है उनसे लोगों से मिलना जुलना भी होगा, तो ऐसे में कई सबूत भी हो सकते हैं, धारणाएं कर सकते हैं, तो ऐसे में भी सच्चाई दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा कोई भी सबूतों के खिलाफ भी अब सबूत मिटाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि उनके मोबाइल पहले से ही कोर्ट के पास थे, उनको पूरी जांच की गई थी, तो ऐसे में यदि पहले ही उन लोगों को जोर नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि आखिरकार जो बेल दी गई है कहीं ना कहीं कुछ हो, लेकिन ये उन्होंने की संजय राहत तो मिली है, अब देखने ये होगा कि अब आगे क्या होगा। जी बिल्कुल, आज इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।